और उनका समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय गुरु जय। महानायक आज धामपुर की धरती पर पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और दो लाइनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। तख्त बदला है, तस्वीर बदली है। तख्त बदला है, तस्वीर बदली है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए हमारा मार्गदर्शन। गौरवों के पक्ष में खड़े हर व्यक्ति को करना यह हमारा कर्तव्य है। आज इस उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत के अंदर दो पक्ष आपको दिखाई देते हैं। उन दोनों पक्षों में धर्म की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति योगी जी के साथ समर्थन में कमल का फूल लेकर आए हैं, वो सब धर्म की स्थापना के लिए सहायक है। मैं आपको और आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई और संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले एक डेढ़ महीने से घूमते घूमते ये महसूस किया है कि योगी जी और यदि दोबारा से मोदी जी को हम 70-80 देखना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए योगी जी और मोदी जी के इस भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष श्री सुभाष वाल्मीकि जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जसो कटारिया जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार राणा जी, स्वामी राधेश्याम व्यास जी, नगर पालिका धामपुर के चेयरमैन श्री राजू गुप्ता जी, विधानसभा के प्रत्याशी श्री मनोज शिवास जी, जिला महामंत्री श्री भूपेंद्र चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेन्द्र प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में माफियाओं के प्रति उनकी संवेदना थी, इसलिए जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको पीड़ा होती है। उनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं थी, गांव के लिए नहीं थी, कमजोर के लिए नहीं थी, दलित और वंचित के लिए नहीं थी, किसान और नौजवान के लिए नहीं थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं थी। उनकी पीड़ा तो माफियाओं के प्रति थी, अपराधियों के प्रति थी, उनकी पीड़ा तो आतंकवादियों के प्रति थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है, उस समय के मुख्यमंत्री ने पहला फैसला किया था और वह फैसला था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना और उसका परिणाम था हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। कोसी कला मथुरा से जो सिलसिला शुरू हुआ, आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ, अराजकता फैली, छोटी छोटी बात के लिए उपद्रव होते थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था और जो सरकारें होती थी चेहरा देख करके योजनाओं को बांटती थी, पर और व्यवहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाते थे। पर और त्योहार के पहले कोई ना कोई बड़ा दंगा होता था। कर्फ्यू के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, लोगों को अपने घरों के अंदर कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और भाइयों बहनों, आज फर्क साफ है, फर्क साफ है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। पिछली सरकारों में दंगों के कारण महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, लोगों का जीना हराम हो जाता था
और हम लोगों ने तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी दुनिया कोरोना की थर्ड वेव से कांप रही है, पूरी दुनिया कांप रही है। चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, भारत के कई राज्यों में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा न कोरोना हमारे यहां के जीवन को कुछ कर पाएगा और न कोरोना का ही कोई कर कुछ करने देंगे। कर्फ्यू की बात तो दूर, हमने कोरोना कर्फ्यू भी नहीं लागू होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य देश के अंदर हुआ, दुनिया ने उसको एक मॉडल के रूप में लिया, जिसमें व्यक्ति के जीवन को बचाने के साथ साथ जीविका को भी प्राथमिकता दी गई। जीवन और जीविका को बचाने की यह कवायद एक सफल मॉडल के रूप में दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है, और वही कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी किया। एक व्यक्ति को फ्री में राशन, डबल इंजन की सरकार होगी तो राशन भी डबल डोज दी जाएगी। डबल डोज का राशन और डबल डोज वैक्सीन का भी। 44 लाख लोगों को अकेले बिजनौर जनपद में फ्री वैक्सीन दी जा चुकी है। प्रदेश में 25 करोड़ 34 लाख लोगों को कल शाम तक वैक्सीन दिया जा चुका है, यानी मान करके चलिए कि आज हम 25.5 करोड़ लोगों को आज शाम तक वैक्सीन दे चुके होंगे। ये वैक्सीन फ्री में है, कोरोना का उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, वैक्सीन फ्री, राशन फ्री, यही तो सरकार है। और पहले की सरकारें क्या करती थी, गरीबों का दवा भी खा जाती थी और राशन भी खाद्यान्न माफिया दूसरे देशों को बेच देते थे, गरीब देखता रह जाता था, भूखों मरता था, और वही पैसा जो उन गरीबों का इन माफिया तो भाइयों बहनों नोटों की गड्डियों के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये चीजें दिखाती हैं आज पीड़ा। सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा क्या है, इसी बात की पीड़ा है, क्योंकि माफियाओं के प्रति उनकी संवेदना थी, इसलिए जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको पीड़ा होती है। उनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं थी, गांव के लिए नहीं थी, कमजोर के लिए नहीं थी, दलित और वंचित के लिए नहीं थी, किसान और नौजवान के लिए नहीं थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं थी। उनकी पीड़ा तो माफियाओं के प्रति थी, अपराधियों के प्रति थी, उनकी पीड़ा तो आतंकवादियों के प्रति थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है, उस समय के मुख्यमंत्री ने पहला फैसला किया था और वह फैसला था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना, और उसका परिणाम था हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। कोसी कला मथुरा से जो सिलसिला शुरू हुआ तो कौन भूल सकता है, बिजनौर के उपद्रव को कौन भूल सकता है, मेरठ के कर्फ्यू को और बुलंदशहर की अराजकता को कौन भूल सकता है, और ये उपद्रव, ये दंगाई, ये पेशेवर माफिया, किराना का प्लान कराने वाले लोग, वही आज सपा बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर के फिर से आ गए हैं। लेकिन हमारी सरकार 2017 में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला काम किया बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है और बेटी की सुरक्षा, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता थी, हमने उसको किया। आज प्रदेश की हर बेटी प्रदेश में अपने घर में रहकर के, अपने मां बाप के सानिध्य में रहकर के स्कूल जाती है,
किसी सौदे और किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि उस बेटी में छींटा कर दिखा। प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी का कार्यक्रम भी हमारी सरकार ने किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्य हमारी सरकार का उसी पहली कैबिनेट का फैसला था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार का पहला फैसला था कि प्रदेश में अवैध कोचरखाने बंद होंगे। हमने अवैध कोचरखाने भी बंद किए। हमने बेटियों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए पहला निर्णय लिया, उन्होंने आतंकवादियों के लिए पहला निर्णय लिया। हमारी सरकार के समय प्रगति के प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उनकी सरकार के समय प्रदेश से व्यापारियों का पलायन होता था, भागते थे छोड़कर, क्योंकि सुरक्षा का बंदोबस्त ही नहीं था। हमारी सरकार के समय बिना भेदभाव के विकास का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला को प्राप्त हुआ। उनकी सरकार के समय विकास की योजनाओं का लाभ सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि स्वयं हड़प जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। हमारी सरकार के समय सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उनकी सरकार के समय पर्व और त्यौहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, कावड़ यात्रा में रोक लग जाती थी। हमने तो कहा कावड़ यात्रा को नहीं रोकेंगे, धूमधाम के साथ कावड़ यात्रा को निकालेंगे। और मैंने तो सरकारी हेलीकॉप्टर देकर के मैंने कहा पुष्प वर्षा करो कावड़ यात्रा में, पूरी धूमधाम। उनकी सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, हमारी सरकार के समय भारत की आस्था का। और इसलिए धामपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री अशोक कुमार राणा को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए प्राण प्रण से यहां की एक एक जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद देना होगा। और भाइयों बहनों, ऐसे ही आपके परिचित होंगे पूरे जनपद में, नजीमाबाद से कुंवर भारतेंदु सिंह जी को, नगीना सुरक्षित से डॉक्टर यशवंत सिंह जी को, बड़ाटपुर से श्री कुंवर सुशांत सिंह जी को, नहटोर सुरक्षित से श्री ओम कुमार जी को, बिजनौर से श्रीमती सुचि मौसम चौधरी जी को, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी जी को और नूरपुर से श्री सीपी सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके विकास की इस रफ्तार को इससे भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, जिससे उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके, इसके लिए आपका समर्थन पाने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। कोरोना कालखंड में बचाव और सतर्कता एकमात्र इसका उपाय है। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है। मैंने आज बिजनौर के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है, बहुत अच्छा प्रबंधन का कार्य चल रहा है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, मास्क कम पहनेंगे, भीड़ भाड़ में जाने से बचेंगे, 5-5 की टोली बना करके घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करेंगे। यही अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम।